फिटनेस जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? कितने इंच का है? बहुत साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ उस चीज को लेके, 26 घंटे से भी ज्यादा सिर्फ एक रील के पीछे काम किया था कि ये टोटली है। आर यू सिंगल रियली? ईशानी कौन है? कॉम्पिटिशन में ही जीती थी। hey, सच में जिसमें भी हम दोनों साथ। अरे गर्लफ्रेंड, मेरे को किसी ने आई लव यू बोला ना, मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे बुरा। मेरी बहुत ज्यादा रीच है इससे भी, इसकी सिर्फ फॉलोवर से मेरी रीच उससे भी ज्यादा है। ये डोही भी है। What's good people, welcome back to my channel. तो आज मैं करने वाला हूँ Q&A और ये बहुत टाइम से पेंडिंग में था, फाइनली आज मैं वो करने वाला हूँ। मैंने इंस्टा पे Q&A कर दिया था और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो अभी थोड़ा सा काम है वो थोड़ा खत्म करूंगा और उसके बाद Q&A स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Hours later. Right, तो मैं आ चुका हूँ घर पे, अभी काम जो था मेरा वो खत्म हो गया है और अभी मैं बैठा हूँ Q&A करने। Q&A स्टार्ट करते हैं सीधा। अभी ये जो सवाल है वो मैंने अभी पढ़े नहीं है, सीधा यहीं पे पढ़ने वाला हूँ। फिटनेस जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? तो फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी करीबन 2018 में, 2018 की मुझे डेट भी याद है, कुछ 21 दिसंबर 2018, हाँ 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। तो उसके बाद मैंने दबा के खाया था, 2 दिन डिटॉक्स किया था और उसके बाद 21 से मैंने स्टार्ट किया था डाइट करना। तो 2018 से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है समझो फिटनेस को लेके। सिद्धू मूसेवाला और BTS। BTS वाले मेरे इधर रहना मत, BTS वाले अगर तुम लोग चाहते हो ना BTS को तो फिर मुझे मत चाहो, चले जाओ। कितने इंच का है? जानना है इस बड़वे को। बाइसेप की बात चल रही है, ये विदाउट पंप 15.5 है और पंप के साथ 16 या फिर 16.5 है, ऐसा है। मुंबई मीटअप कब? अभी अहमदाबाद मीटअप नहीं हुआ है, मुंबई मीटअप कहाँ से करूँ पहले? सब कुछ धीरे धीरे होगा पर होगा। जिम के अलावा और क्या करते हो? मैं जिम के अलावा जूते खाता हूँ। मम्मी मेरे को जूते खाने का मन कर रहा है आज बहुत ज्यादा। लव एंड सपोर्ट फ्रॉम लखनऊ, रियली लव योर कंटेंट एंड योर हार्ड वर्क, थैंक यू सो मच। रिसेंटली अभी बहुत दूर दूर से मैसेज आ रहे हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से ही आ रहे, बाहर की कंट्री से भी आ रहे, तो मुझे वो चीज बहुत सही लग रही है कि अभी मेरा जो कंटेंट है वो उन लोगों को पसंद आ रहा है, मैं जो चाहता हूँ वैसा लोग देख पा रहे और वो उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे, तो थैंक यू सो मच। अगर आप कहीं और से हो और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे तो थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही प्यार देते रहो, मैं और बहुत कुछ करूंगा अभी। हाउ टू वायरल रील फास्ट लाइक यू ब्रदर, प्लीज टेल। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ डाला और वो वायरल हो गया है और बहुत ईजी चीज मिला है मुझे, ऐसा नहीं है। मैं बहुत साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ उस चीज को लेके कि मैं वेरियस कंटेंट बनाता हूँ अलग अलग टाइप के और मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए सब चीजों को लेके। मुझे याद है मेरा एक वीडियो था जो मैंने और ईशानी ने बनाया था, मतलब वो नहीं थी वीडियो में बट वो हेयर स्टाइल का वीडियो था। वो हेयर स्टाइल कम से कम एक हेयर स्टाइल करने में 2 या 3 घंटे लग रहे थे और ऐसी मैंने 4-5 हेयर स्टाइल की थी और उसको फिर शूट करने के बाद उसको खोलने में भी 1 घंटा जा रहा था और कोई हेयर स्टाइल में तो 3 घंटे भी लगे। मुझे याद है कि उसको हमने डिवाइड कर करके बनाया था, एक रील को शूट करने के लिए हमने 2 या 3 दिन लगाए थे, करीबन 26 घंटे से भी ज्यादा सिर्फ एक रील के पीछे काम किया था, फिर भी उसमें 10K व्यूज भी नहीं आए थे। मैंने छत पे जाके बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए कि वहां से कुछ हो सके, धूप में भी मैंने शूट किया है, ठंडी में भी शूट किया है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैं जो डाल रहा हूँ और वायरल हो जाता है और उसकी कोई ट्रिक है। मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और उसके बाद मुझे की पता चल गई कि अभी मैं क्या करूं जिसके वजह से वो सारी चीजें सही हो रही। जो लोग सोचते हैं ना कि एक रील डाली वायरल हो जाएंगे तो फेमस हो गए, पर वो चीज होता ही नहीं है। मतलब 2 मिनट की मैगी है, 2 मिनट में बन जाएगी और खा लिया, वो वाला सीन नहीं है। अगर 2 मिनट में सक्सेस मिली तो फिर रातों रात चली भी जाएगी,
ये जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है और लंबी प्रोसेस है, सालों देने पड़ते हैं और उसके बाद वो रिजल्ट आता है और रिजल्ट बहुत मस्त आता है, ट्रस्ट मी। ईशानी दी को व्लॉग्स में लाया करो, लास्ट व्लॉग में बहुत हंसी आई। अरे यार तुम्हारी हंसी के लिए तो क्या करूं मैं, रुको बुलाता हूँ उसको, कॉल करता हूँ, स्पीकर कर देता हूँ। बता तो दिया है, वो बोल रही है आएगी पर उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, देख लेना। आइए पधारिए, आइए पधारिए तेरी बहन जी। कौन है तू? नाम तो अभी मेरे को नहीं पता, थोड़ी आम बेस। कोई भी आओगी तुम्हारा बर्थडे टक्की, टक्की क्या बर्थडे टक्की, ये टोटली है एक तो हिंदी बोलना नहीं आता है, दूसरी टोटली है, हंसो तुम लोग यही चीज के लिए। बर्थडे टक्की, बर्थडे बर्थडे टक्की, बर्थडे टक्की, तो हिंदी नहीं आती टोटली है, तीसरा अभी कुछ पता चलेगा। इसका फोन मंगो चाहे मैं बुधू क्लियर देखा है, तार बहुत मना दिख रहा है, ये डोही भी है। हिंदी नहीं आती, टकली है, डोही है, डोही कैसे है देखो। ऐसा नहीं होता गाइस, व्हाइट बाल आ गई। अभी इसको दे देता हूँ, तू पढ़ है, कुछ तो काम करे जीवन में। रूटीन बता दो, कितनी बार बोलू सारे दिन का रूटीन बता दो यार। सुबेरे उठता हूँ, फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ, मेरे माँ बाप के टुकड़ों पे पलता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद रील्स की वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद अपने घर वालों की गालियाँ खा के रात को अपने माँ बाप की फ्री की रोटी खा के सो जाता हूँ। भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो मगर कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, दिल से बुरा लगता है भाई। मरा यार, ये सरकाजम वाला था पर सच बताऊं तो अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक आता ही नहीं और ना ही मैं यूट्यूब चालू करता। सपोर्ट तो है आप लोगों का और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है ये वो और करो और मांग मांग नहीं करना है, आप लोग जो दे रहे हो बहुत सही है, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, बस वही बोलूंगा। आई वॉन्ट टू बिकम फिटनेस इन्फ्लुएंसर सो व्हाट कैन आई डू, बट मैं अभी थोड़ा गेन करेगा फिर गेन कर रहा हूँ। तो देखो जिसको फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, जो बनना है तुम लोग बनो। तुम लोग ऐसा मत देखो कि ये बंदा सही चल रहा है, इसके जीवन में मजे है तो अपने भी वो बन जाते हैं, वो चीज मत करो। वो बंदा क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है और मजे एक्चुअल में है या नहीं, उसको तुमने ऐसे सामने बिठा के बात नहीं की कि एक्चुअल में उसके लाइफ में मजे चल रहे या नहीं चल रहे, वो चीज करते टाइम ऐसा मत करना कि कुछ बंदों को देख के उनकी लाइफ सेट है, उनकी इंस्टा स्टोरी या यूट्यूब वीडियो देख के तुम्हें लगे कि उनकी लाइफ मस्त चल रही है तो हम लोग भी वही काम स्टार्ट कर देते, तो ऐसा मत करना। तुम्हें एक्चुअल में तुम पैशनेटेड हो उस चीज के लिए, तुम्हें वो चीज करना है तो तुम करो। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आगे वहां ना बलमा में बड़ी आगे, ये दो तीन सॉन्ग को मिक्स कर दिया गया। वन रील विथ योर ओपन हेयर, श्योर मेरे से लंबे बाल है इसके, सच में बदल खोला बदलो, नो मींस नो। हेयर टिप्स, ये हेयर टिप्स वाले हैं ना बहुत सारे आए थे इंस्टा पे भी, बहुत मैसेज आते हैं कि हेयर का ये हेयर का वो, ग्रोथ कैसे करने का, कैसे मेंटेन करने का, आप क्या करते हो, इसका राज क्या, ये वो। तो देखो उस चीज के लिए अभी मैं डिटेल में अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ऐसा ट्राई करेंगे कि कोई और अलग से वीडियो बना देंगे जिसके अंदर वो सारी चीजें डाल देंगे। ईशानी कौन है? ये नारी नहीं।
देखो एक तो ये सवाल बहुत चल रहा है कि ईशानी कौन है, ईशानी और आप कैसे मिले थे और क्या है ईशानी। क्या लगती है ईशानी, ये भूतनी लगती है? कौन है ईशानी, कब मिले थे, क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ ईशानी का मेरे साथ। तो हम लोग कुछ 2015 में मिले थे, डांस कंपटीशन में मिले थे और मैं मेरा परफॉर्मेंस कर रहा था, वो उसका परफॉर्मेंस कर रही थी। हम लोग ऐसे रैंडमली कोई कंपटीशन में मिले थे और कंपटीशन में जाना था तो फिर उस चीज़ के लिए बातें होती थी कि कंपटीशन में जाना है तो डांस कंपटीशन में तो क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कंपटीशन आ रहा है कौन सा जा रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ों की बात हो रही थी। फिर डांस क्लास साथ में जाने लगे, फिर बहुत टाइम तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन साथ में अटेंड किए, ट्रैवल भी किया और हर कॉम्पिटिशन में ही जीती थी। सच में जिसमें भी हम दोनों साथ, अरे झूठू थोड़े बोल रही छू, जिसमें भी हम साथ में होते थे ना, पर सबको पता है डिजर्विंग कौन था, वो तो नसीब मेरा, नसीब मेरा, मेरा नसीब। जेठालाल बोलेगा मुझसे भी खतरनाक नसीब है ये यज्ञेश का, तो ऐसा नसीब था मेरा। एक कोरियोग्राफी थी, फर्स्ट कोरियोग्राफी थी इसकी परफॉर्मेंस करने नहीं, नहीं नहीं मेरा फर्स्ट सेकंड कंपटीशन था, एक कंपटीशन जिसमें हम लोग मिले थे उसमें मैं जीत गई थी, ये नहीं जीता था। फिर दूसरी कंपटीशन आई मेरी, मैं इससे सीखने गई, मैं सिखाता था इसको डांस, ये कोरियोग्राफी सीखने आई मेरे पास, मैंने सिखाया पूरा डांस बराबर। वो कोई सॉन्ग है ना ये ए ए ए ए ए ए ए। टैटू वाला सॉन्ग था जो टैटू सॉन्ग पे मैंने इसको सिखाया था और वो कंपटीशन में हम लोग गए, मैंने खतरनाक परफॉर्मेंस दिया, इसने खतरनाक दिया, रिजल्ट आया और ये जीत गई। मेरा तो 1-3 में नंबर ही नहीं आया और ये जीती तो मेरे को जानती नहीं है ऐसा कर रही। मैं जहाँ डांस क्लास जाता था वहां मैं इसको लेके गया था, फिर हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे, फिर ऐसा रैंडमली कोई भी कंपटीशन आता था तो इसको भी मैं बोल रहा था कि तू भी पार्ट ले ऐसा, तो मैंने इसको बहुत बोला कि पार्ट लेना चाहिए ये वो, तो बहुत कंपटीशन में ऐसे ट्रैवल किया। और कैसा हो रहा था कि जिस भी कंपटीशन में मैं इसको बोलूँ ना कि पार्ट ले, उसमें मैं हार जाऊंगा, ये जीत जाती थी मैं हार जाता था। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ ना कि शिट, बोलना ही नहीं चाहिए था इसको कि तू आ, डांस की वजह से नहीं जीतती थी तो मेरा नसीब गंदा था इसलिए वो जीत जाती थी। मैंने बोला ना ये 2 मिनट वाली सक्सेस नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। तो फिर नहीं, पर फिर उसके बाद इसने ग्रो बहुत किया डांस में। फिर से इसको याद आया, अभी इसको याद आया कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है इसके लिए। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में सिखाया था, फिर वो खुद से ही करने लगी, बहुत किया उसने खुद ने, और फिर वो भी एक्चुअल में डिजर्विंग चीजें जीतने लगी जो एक्चुअल में डिजर्विंग था, वो टाइम पे तो नहीं था मेरे साथ में तो नहीं हो सकता, तो मस्ती कर रहा हूँ पर एक्चुअल में वो डिजर्विंग नहीं थी तो फिर उसके बाद जैसे अभी फिटनेस का स्टार्ट हुआ तो वो अलग जिम करती थी, मैं अलग जिम करता था, मतलब वो अलग जगह जाती थी मैं अलग जगह जाता था, और फिर उसके बाद हम लोग साथ में जिम जाने लगे। तो समझो ना 2015 से लेके अभी 23 चल रहा है, तो इतने सालों से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, मतलब कि अभी हम लोग मस्ती मस्ती में बोल रहे कि ये जीत गई मैं हार गया, तो ऐसा नहीं कि ये मस्ती वाला पार्ट नहीं चल रहा था, वो एक्चुअल में बहुत सीरियस टाइम था वो मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था वो सारी चीजों के लिए, तो मैं बहुत बार डाउन हुआ हूँ, इसने मुझे लिफ्ट किया है बहुत बार। जो ग्रोथ वाला प्रोसेस है ना वो हम लोगों ने देखा एक दूसरे का, कि हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग कैसे जा रहे थे और अभी क्या है, तो वो हम लोगों ने बहुत सालों से हम लोग ने अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे, तो बहुत सारी चीजें हो चुकी है ऐसा कि बॉन्ड बिगड़ा है सही हुआ है, पर मेन चीज ये थी कि हम लोग स्टिक रहे हमारे गोल पे और उसके साथ हम लोगों ने साथ में ग्रो किया है। तो ये भी जब स्टार्ट किया था ये भी कुछ नहीं थी, अभी तो बहुत नाम है इसका, वो मैं जानता हूँ, मैं उसमें कुछ मजाक नहीं करूंगा, पर मेरे से तो कम ही है क्योंकि मैं लड़का हूँ
हम लोग इतने सालों से दोस्त है साथ में, मतलब तो हमारी दोस्ती कैसी है पता है, जेठालाल और मेहता वाली दोस्ती है, मुन्ना भाई और सर्किट वाली दोस्ती है, तो हमारी दोस्ती वो है। पर अभी मैं अभी सारी चीजें कहाँ बताने जाऊंगा कि इसकी हरकतें सुनोगे तो तो मैं बहुत शांत इंसान हूँ, कहाँ लगता है कि कुछ किया नहीं है। बाकी मैंने नहीं बोला था ये नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी गर्लफ्रेंड। वो क्या होता है अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। How to make deadlift as perfect as yours? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। क्वेश्चन में आई लव यू कौन लिखता है? मेरे को किसी ने आई लव यू बोला। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। पानी पीना पड़ रहा है, ये अंदर हजम ही नहीं हो रहा है कि कोई मेरे को आई लव यू बोल सकता है। मतलब आपने मुझे सिलेक्ट कर दिया। Why are you so so cute? Big strong man. By the way, keep shining. Haribol, haribol. अरे अच्छा लगता है यार ऐसा कोई बोलता है। बोल बोल। Why are you so so cute? Big strong man. By the way, keep shining. पूछो चाहे यार, it's a question. Why are you so so cute with strong man? पता नहीं भाई, क्यूट तो तुम्हें लगता हूँ, मेरे को तो नहीं पता चलता है, मैं तो डरावना लगता हूँ। लोग तो बात नहीं करते मुझसे, मैं इतना डरावना लगता हूँ। फिर बात करने के बाद तो पता चल जाता है ना? क्या तुम भगवान हो मां? आर यू सिंगल रियली? यस, ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे बुरा मेरा पेज प्रमोट कर दो फ्री में। डू यू लव स्टैन? यस, सही बंदा है, अच्छा लग रहा है। वो जो भी जहाँ से उठ के जहाँ पे भी पहुँचा है, उसकी मेहनत के हिसाब से, उसके लक के हिसाब से, कोई बंदा 0 से 100 पे पहुँचता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसी जगह से बिलोंग करता हूँ कि 0 से 100 लाना। बराबर गुजराती में बोलते हैं शून्य माथी सर्जन करूँ, तो मैं भी वही चीज की प्रोसेस में हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई नीचे से ऊपर जाता है, तो मुझे रिस्पेक्ट है उसके लिए। आपका घर किधर है सर? मेरा घर मेरे पड़ोसी के सामने है। तो मेरे मेरे पड़ोसी का घर किधर है? मेरे एग्जैक्ट सामने। हम दोनों का घर किधर है? हम दोनों का घर एक दूसरे के सामने है। भाई ऐसी बेबी जैसी बॉडी से इतनी प्यारी आवाज कैसे निकाल लेते हो? आई लव योर कंटेंट। कंटेंट के लिए थैंक यू, इतनी बेबी जैसी बॉडी के लिए थैंक यू। प्यारी आवाज है नहीं, मुझे तो नहीं पता। प्यारी नहीं है। शो योर अपर बॉडी। फोटो कितने का? ले खींच 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 फोटो खींच। ये कातिल स्माइल का राज क्या है? क्या मतलब ये कातिल स्माइल का? कंटेंट के आइडियाज बहुत है, बट रिलेटिव्स दोस्त क्या कहेंगे, हंसेंगे। आल्सो गुड क्वालिटी डिवाइस नहीं है। लोगों का सोचना वो छोड़ दो, ठीक है? वो पता है वो लोग बोलते हैं कि तुम अपना काम करो, तुम्हारी सक्सेस लोगों को चुप करवा देगी। वो एक्चुअल में है, ऐसा नहीं चलेगा कि थोड़े टाइम तुमने किया फिर छोड़ दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो वो चीज करोगे तो एक्चुअल में लोग हंसेंगे। पर तुम अगर ऐसा किया कि तुमने वो किया, लोग हंस रहे, हंसने दो, पर तुम कुछ टाइम तक करो फिर देखो। मुझे तो लगता है कि वो चीज ही नहीं है कि सक्सेस बेस्ट रिवेंज है, वो चीज ही नहीं है। रिवेंज उनसे लिया जाता है जो तुम्हारी कंपैरिजन का हो। वो तुम्हारी कंपैरिजन के है ही नहीं, उनसे क्या रिवेंज ले? समझ रहे हो बात मेरी? और सच बता रहा हूं, अगर तुम्हें जिस टाइम पे ये सारे एफर्ट्स की सक्सेस मिलेगी ना, तो तुम्हें अगर उन लोगों की नीड होगी ना, उनसे 10 गुना ज्यादा अच्छे लोग तुम्हारे लाइफ में आएंगे। वो मैं लिख के देता हूँ, मेरे साथ हुई है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ना ही कोई संदीप महेश्वरी हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज हूँ कि मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ लिया है, मैंने कुछ तोड़ लिया है, और इसलिए मैं ऐसे ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीजों को बोल रहा हूँ। और मेरी बातों में भी मत आओ, तुम खुद एक्सपीरियंस करो और फिर तुम्हें रिजल्ट मिले, फिर बात करेंगे अपने, ठीक है?
कुछ पूछना नहीं है सर, बस बताना था कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है. Never let that smile fade away. Lots of love. थैंक यू सो मच. जो लोग भी बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे, मेरे फॉलोअर्स ही दे रहे हैं. रिच को नहीं बता रहा, रिच को नहीं बता रहा. अबे बोल ना, फॉलोअर्स मारा बता जब बोल बोल ना. अबे मेरी बहुत ज्यादा रीच है, इससे भी इसकी सिर्फ फॉलोअर से मेरी रीच उससे भी ज्यादा है, वो तो मानना पड़ेगा, है ना. मुझे जिस हिसाब से जिस वे में प्यार मिल रहा है वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. ग्रेटफुल. ग्रो योर डिंपल्स एंड स्माइल नेक्स्ट लेवल. थैंक यू. बचपन में गिर गया था ऐसे. यहाँ पे ना ऐसा पत्थर था, मैं ऐसे दौड़ रहा था भुजू तो देखा तो ये खड्डा हो गया. आपने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किया है? दो मिनट साइलेंट. स्ट्रगल की बात तो अभी मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोई और दिन वापस से रखेंगे Q&A या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिसमें वो सारी चीजों के लिए बात करेंगे. Is this emoji gives you power? ये जो सिंबल है ना, और उससे मुझे बहुत ज्यादा पावर मिलता है, तो मुझे एक्चुअल में वो मेरे बहुत कनेक्टेड है. Eating carbs at night make me fat. देखो अभी अगर तुम लोग सुबह जिम करते हो तो तुम लोग सुबह कार्ब ले लो, रात को कार्ब ना लो तो अच्छा है, और अगर शाम को तुम जिम कर रहे हो तो फिर थोड़े कार्ब लेना जरूरी है. कार्ब से तुम मोटे नहीं हो जाओगे, तो वो मिथ को थोड़ा हटा दो. कार्ब लेने चाहिए, पर कहाँ पे कैसे लेने चाहिए उसका नॉलेज होना जरूरी है. भैया लीन डाइट बता दो. डाइट टिप्स अलग से अपने बना देंगे इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसके लिए थोड़ी डिटेल में बातें करनी पड़ेगी. मैं ऐसे ऊपर ऊपर बोल दूंगा ना तो उल्टा मेरे ऊपर ही आएगा कि इसने ऐसा क्यों बोला. तो वो मैं दिमाग वाला है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा. अपने शांति से बैठ के बात करेंगे, ठीक है. बस तो फिर ये खत्म करते हैं यहाँ पे, तुम ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं. अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट कर दो, और अगर आप ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बाजू में आइकन है उसको भी दबा दो, क्योंकि मैं डेली के 2 शॉर्ट्स डालता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको आना जरूरी है, उसमें भी बहुत मजा आएगा, तो वो भी देखो और उस पर भी थोड़ा सपोर्ट डाल दो, ठीक है. तो बस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू. पैसा मारा मोनेटाइज थसन पे ऑफिस जाने की तू. हां इतना पैसा लावा भाई, तुम लोग ने मेरे को बोला कि इसको बुलाओ. अभी इसको कुछ देते जाओ 1-2 रुपया. ऐड तो ना प्रोटीन बार खवड़ो. मफत में काम नहीं करा ना हमारे. बाय बाय. थैंक यू प्लीज. हां मफत में काम नहीं करती.